Assalamu alaikum students, hope you all are fine at home. Today we learn class 2 subject maths lot 5 note 7. Last time हमने read किया था 1, 2, 3, 4 and 5 and 6 questions. आज हम next learn करेंगे 7, 8 and 9 questions को हम understand करेंगे. Last time हमने 6 questions किया था write any 5 even numbers between 130 and 150 in ascending order. हमने 130 से 150 के between में कोई से 5 even numbers लिखने थे जो के ascending order में हम लिखेंगे. अब यहाँ पर 7 question है write any 6 odd numbers between 160 and 190 in descending order. अब आपने 170 से 190 के बिटवीन में कोई से 6 ऑड नंबर्स लिखने हैं जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो. यहाँ पर असेंडिंग में, यहाँ पर डिसेंडिंग में, यहाँ पर इवन, यहाँ पर ऑड, यहाँ पर 130 से 150 एंड यहाँ पर 170 से 190. नेक्स्ट क्वेश्चन है 8. टिक द करेक्ट आंसर. द इवन नंबर्स बिटवीन 150 एंड 153 इज़ 150, 151, 152, 153. इनमें से जो सा इवन नंबर है आपने उसके आपकी चॉइस है, आपने उस पर टिक करना है या आपने उस पर सर्कल करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बी द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 100+8 इज़. आपको जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया था कि आपने ऐसे रफ वर्क नोटबुक पर आपने इसको एडिंग क्वेश्चन की फॉर्म में लेकर आकर सॉल्व करना है. यहाँ पे आपने 100+8 करना है तो आपके पास जो आंसर आएगा आपने उस पर टिक या सर्कल में से जो आपकी चॉइस है वो आप करना चाहें वो कर लें. सी है द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 178 इज़. अब आपको जैसे मैंने पहले यहाँ पर भी 110 and 1 की प्लेस वैल्यूज का बताया था, एक्सप्लेन किया था, आपने यहाँ पर भी इसी तरह रफ वर्क में ये 178 लिख के उसके ऊपर 110 and 1 लिख के आपने देखना है कि 7 की जो प्लेस वैल्यू 7 in 178 इज़ इसकी क्या है. द नंबर आफ्टर 135 इज़. 135 के बाद कौन सा नंबर आता है वो आपने यहाँ से चूज़ करके लिखना है. राइट द नंबर डैट कम्स बिफोर गिवन नंबर. ये क्वेश्चन नंबर 9 है. राइट द नंबर डैट कम्स बिफोर गिवन नंबर. यहाँ पर आपको दिए गए नंबर्स होंगे, आपने उनसे देखना है कि उससे पहले क्या आता है. यहाँ पर अभी आपके पास ब्लैंक बॉक्स है, नेक्स्ट पेज है आपके पास ए बी सी. आपने यहाँ पर अब देखना है कि इनके जो कम्स बिफोर के इनसे पहले कौन सा नंबर आता है. ठीक है, आपको आई थिंक अंडरस्टैंड हो गया होगा सारा. आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो आपने मुझसे पूछना है, प्लेस वैल्यू में या इवन ऑड में कोई भी आपको मुश्किल आ रही हो तो आपने ग्रुप टाइमिंग्स में मुझसे कंसल्ट कर लेना है, मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूँगी. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह.